हेलो चिल्ड्रन। तो बच्चों, आज हम करेंगे MSW लोगो, जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, तो इसमें हमने हमारा कमांड है पेन इरेज कमांड। जैसे इरेजर काम करता है, वैसे ही पेन इरेज कमांड भी काम करता है। पेन इरेज कमांड इज़ यूज टू सेट द पेन टर्टल ऑन इरेज मोड। ठीक है, पेन इरेज कमांड में आप क्या कर सकते हो, आप जो है जो भी आपने डायग्राम बनाया है उसको आप इरेज कर सकते हो। वो कैसे करना है पहले हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया कि फॉरवर्ड 50 इसका साइज़ जो है वो हमने कर दिया। आगे हम फिर से करेंगे फॉरवर्ड 100, तो ये लाइन जो है वो बनता जाता है। ठीक है, अब पेन इरेज कमांड का जो शॉर्ट फॉर्म है वो है PE। ठीक है, कैपिटल P और E। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल है FD 100। ठीक है, तो FD 100 हमने यहाँ पे कर दिया है, तो ये जो लाइन है वो फॉरवर्ड जाता है 100 स्टेप से। ठीक है, उसके बाद आप कमांड दोगे PE। ठीक है, PE का हमने कमांड दे दिया है, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब हम करेंगे back 30। ठीक है, बैक का फुल शॉर्ट फॉर्म है BK 30। तो ये जो टर्टल है वो पीछे की तरफ आ जाता है 30 स्टेप से। द टर्टल मूव्स बैक बाई 30 यूनिट एंड इरेज द लाइन। ठीक है, तो लाइन जो है वो इरेज हो जाता है। ठीक है, दोबारा से बैक हमने कर दिया 50, तो टर्टल जो है वो दोबारा से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओके, उसके बाद है पेन पेंट कमांड इज़ यूज टू चेंज द इरेज मोड टू द पेंट मोड। ठीक है, तो जो पेन पेंट कमांड है उससे हम जो इरेज मोड है, PE कमांड जो हमने दिया था, वो जो है हम पेंट मोड में चेंज कर देते हैं। दिस कमांड इज़ यूज आफ्टर इरेजिंग द लाइन सो दैट द टर्टल स्टार्ट ड्राइंग लाइन्स अगेन। पेन पेंट कमांड जो है वो क्या करता है, आपका जो इरेजर मोड है उसको हम दोबारा से क्या कर सकते हैं, पेन कमांड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन पेंट का शॉर्ट फॉर्म है PPT। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कमांड दिया है PPT। ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे है फॉरवर्ड 100 हमने कर दिया है, PE हमने कर दिया था, बैक 30 हमने किया, उसके बाद हम करेंगे PPT कमांड। ठीक है, PPT कमांड हमने कर दिया, उसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड FD 100। ठीक है, तो लाइन जो है दोबारा से वो बनाना शुरू करता है। ठीक है, ऑन पेज नंबर 41 यू हैव क्विक फैक्ट लोगो टर्टल विच इज़ एन ऑन स्क्रीन कर्सर डिराइव इट्स नेम फ्रॉम अ रोबोट। ठीक है, तो लोगो जो टर्टल है, ये जो टर्टल है उसका जो नाम दिया गया है वो है, वो डिराइव किया है एक रोबोट से। ठीक है, क्योंकि ये एक रोबोट की तरह काम करता है। ओके, नेक्स्ट हमारा कमांड है सेट पेन कलर। सेट पेन कलर इज कमांड इज़ यूज टू सेट द कलर ऑफ द पेन ऑफ द टर्टल। तो ये जो लाइन है वो ब्लैक में आ रहा है। ठीक है, सेट पेन कलर से आप उसको क्या कर सकते हो, कलर में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सेट पेन कलर का शॉर्ट फॉर्म है SETPC, SETPC। ठीक है, सेट पेन कलर हमने कर दिया है। साइड में आपको टेबल दिया है, टेबल 4.2, जिसमें कलर कोड्स दिया है, जैसे ब्लैक के लिए 0, ब्लू के लिए 1, ग्रीन के लिए 2, ठीक है, सियान के लिए 3, 4 के लिए रेड, 5 पिंक, 6 इज़ येलो, 7 इज़ वाइट एंड 8 इज़ ब्राउन। ठीक है, तो इसका यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपको सेट पेन सेट PC 1। तो 1 इज ऑलरेडी इज ड्रॉन। ठीक है, तो ब्लैक कलर में हमने 0 में हमने पहले से ही कर रखा है, तो हम क्या करेंगे, सेट PC 1 कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम फॉरवर्ड 100 करेंगे, तो जो ये कलर है वो चेंज हो जाता है इनटू ब्लू। ठीक है, अब हम इसको राइट की तरफ मोड़ देंगे विथ 90 डिग्री। ठीक है, तो कलर जो टर्टल है वो 90 डिग्री रोटेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेट PC SETPC
हमने किया टू, टू पे कलर है ग्रीन, ठीक है ग्रीन। उसके बाद हम करेंगे फॉरवर्ड 100, तो जो ये लाइन है वो ग्रीन कलर में आ जाता है, ठीक है। उसी तरह हम उसको दोबारा से हम राइट कर देंगे आर टी कमांड 90 डिग्री से, ठीक है। तो टर्टल जो है वो मूव हो गया, ठीक है दोबारा से। और हम करेंगे सेट पी सी, अब हम कलर यूज़ करेंगे 8 ब्राउन, ठीक है 8 ब्राउन। उसके बाद एफ डी 100, तो ये जो कलर है वो ब्राउन में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है हाई टर्टल कमांड एंड शो टर्टल कमांड। हाई टर्टल में जो टर्टल है, ये जो टर्टल है वो छुप जाता है, ठीक है। यू कैन यूज़ दिस कमांड आफ्टर कंप्लीटिंग द ड्राइंग सो दैट ओनली द ड्राइंग इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन। ये आप कमांड तब यूज़ करोगे जब आपका डायग्राम जो है वो बन जाता है, ठीक है, और आपको टर्टल नहीं चाहिए, तो आप हाई टर्टल का यूज़ कर सकते हो। अब हाई टर्टल जो है उस कमांड का शॉर्ट फॉर्म है एच टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एच टी टाइप किया और एंटर कर दिया, ठीक है। टर्टल जो है वो हाइट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है शो टर्टल, ठीक है। शो टर्टल कमांड इज़ यूज टू डिस्प्ले द टर्टल अगेन ऑन दी स्क्रीन। अब टर्टल हमें दोबारा से यहाँ पे चाहिए, ठीक है, आप विदाउट टर्टल भी काम कर सकते हो, ठीक है। तो टर्टल हमें दोबारा से चाहिए तो हम शो टर्टल का कमांड देंगे। शो टर्टल कमांड का शॉर्ट फॉर्म है एस टी, तो हमने एस टी यहाँ पे टाइप किया और एंटर कर दिया, तो टर्टल जो है दोबारा से स्क्रीन पे दिखाई देता है। तो इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।